अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है और मेरे चैनल का नाम बर्ड्स क्लियर है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें। मैं नई नई वीडियोस लाता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये क्रीम की फीमेल है और ग्रे का आगे मेल है और ये मेरा एक पेयर है यहाँ पे। आपने मेरी अगर अदर वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर इसके इस मटकी के अंदर बच्चे हैं, ये कोने वाली आखिरी मटकी के अंदर, और दो बच्चे हैं इनके और बाकी जो है ये पेयर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो का जो है मेन टॉपिक है वो है ये, देखें भुट्टा या छल्ली कह लें इसे, भुट्टा कह लें। जब बच्चे निकल आते हैं तो ये लाजमी दिया कीजिए डेली, और एक पेयर के लिए इस साइज़ की इतनी इतनी क्वांटिटी में जब, और दो बच्चों के साथ काफ़ी है, ये इनको डेली दें। और क्योंकि ये एक तरह से नरम गज़ा के अंदर आती है और ये ज़रूरी है इन बर्ड्स के लिए। और अगर आप दाना जो है वो तो आपने लाजमी देना है, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ क्लिक करके थोड़ा। ये देखिए, ये इनका दाना है और ये इनका पानी का पॉट है। और दोस्तों, सर्दियों में एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, सर्दियों में आप जो है इसका इस्तेमाल कीजिए, इस पॉट का। और क्योंकि जो खुले कटोरे होते हैं इस तरह में मिट्टी के, उसके अंदर अगर आप पानी अब डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे बर्ड बीमार होते हैं। इसके अंदर पानी रूम टेम्परेचर में रहता है और गंदा भी नहीं होता इसमें। तो दोस्तों, मेन टॉपिक पर आते हैं। तो ये छल्ली है, ये मैं आप बर्ड्स के लिए ये यहाँ पर रखता हूँ इसके लिए, थोड़ा इधर कर कर। ये देखिए, ये मैंने रख दी है और ये देखें ये पेयर आ रहा है, ये पेयर है और ये देखें ये अभी फ़ौरन खाने आ जाएगा। ये देखें, ये मेरा वेट कर रहे हैं, मैं गेट बंद कर देता हूँ। ये देखें, ये पेयर बैठा हुआ है और ये देखें, ये अब इसने खाना शुरू कर दिया है। ये इसको बहुत पसंद करते हैं, भुट्टे को, छल्ली को, और ये डेली इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मैं इनको किस टाइम आकर इनको दूं। और दोपहर का टाइम मैंने रखा हुआ है तकरीबन इनके लिए, और डेली ये इस टाइम वेट कर रहे होते हैं। और ये देखें, फीमेल अभी थोड़ी डर रही है लेकिन ये भी आस्ता आस्ता करीब आ जाएगी। ये देखें, बहुत अच्छा पेयर है दोस्तों मेरा, इसने मुझे छठी ब्रीड दी है और 1.25 साल हुआ है इसको, और इसको मैंने बीच में रेस्ट भी कराया था। एक साल के अंदर इसने 5 ब्रीड दी थी मुझे पिछले साल, और इस साल के शुरू में इसने मुझे ब्रीड दी है। और 4 एग देते हैं, 3 बच्चे निकाल देते हैं, एक मरता 4 में से 4 निकाले थे। और बहुत अच्छा पेयर है मेरा, बहुत अच्छे से पालते हैं बच्चे, और मेरे पास सब इसी की नस्ल है। मैं और वीडियो बनाऊंगा और कॉकटेल जो मेरे पास अलग केजेस में रखे हैं वो भी दिखाऊँगा आपको, कि वो जो है वो मैंने कैसे रखे हुए हैं, वो भी अलग अलग मैंने कर दिए। पहले कॉलोनी होती थी मेरे पास, 2 कॉलोनियाँ थी और यहाँ पे 4 पेयर थे और एक अंदर घर के अंदर कॉलोनी बनाई हुई है गैलरी में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देख, और वहाँ पे अभी तकरीबन ज़्यादा पेयर है मेरे, यहाँ पे सिर्फ 1 पेयर अब इतने बड़े केज के अंदर। ये देखें, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इस तरफ से ये मैंने ढका हुआ है ताकि जो है हवा ना जाए, और ये आगे चादर इनकी है, ये मैं रात में इनको आगे कर देता हूँ। और ये देखें, ये आप देखें भुट्टा खा रहे हैं, ये बहुत शौक से खाते हैं, ये भी खाने के बाद ये अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। तो आपने मस्त इनको भुट्टा खिलाना है और बर्तन आपके साफ़ होने चाहिए। देखें, भुट्टा जिसमें रखा है वो स्टील की प्लेट बिल्कुल साफ़ है, और ये पानी का पॉट है, और ये दाने का ये जो बर्तन है ये सब साफ़ होने चाहिए, केज भी सफाई होनी चाहिए। और मटकियाँ मेरे दोस्तों, एक और मैं टिप दे देता हूँ इसमें, आप मटकियाँ ज़्यादा लगाएं, इतनी नहीं कि मतलब कि एक पेयर के लिए 4-4 मटकियाँ, एक पेयर के लिए 2 मटकियाँ लगा दें। अक्सर होता है वो एक मटकी के अंदर जो अंडे बच्चे करते हैं तो फिर दूसरी मटकी के अंदर भी शौक से जाते हैं। और ये पेयर जो है मेरा, इनके पास पहले ये कोने वाली मटकी होती थी, इस मटकी के अंदर होते थे ये पहले, फिर ये ऊपर 2 मटकियाँ लगाई होती थी, मैंने हुक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 2 पेयर होते थे, फिर उसके बाद इसने ये कोने वाली मटकी दी है इस बार, और ये मटकियाँ चेंज करते रहते हैं। बहुत अच्छा पेयर है मेरा ये, ये देखें। तो दोस्तों, टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया, और मैं जो है इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको बताया है कि छल्ली क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी भुट्टा क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जब बच्चे निकले हों तो तब आप इनको मस्त दें, और अगर आप काले चने देते हैं तो जब बच्चे निकले हों तो काले चने आपने नहीं देने उनको, कम अज़ कम 8-10 दिन जो है या 2 हफ्ते जो है काले चने से परहेज़ करवानी है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाता है, उनको बच्चों को हज़म करने में मुश्किल होता है, और ये छल्ली और ये सॉफ्ट फूड के अंदर आता है, ये आसानी से ये हज़म कर लेते हैं छल्ली को।
सो दोस्तों छली दें आप अपने बर्ड्स को, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।